हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आपकर आपके लिए लेकर आया हूँ आज इस खुशखबरी। 7 अक्टूबर 2023 की सफाई कर्मी भर्ती 11,772 पद बढ़ाए, इन्हें समायोजित करेंगे या नए आवेदन लेंगे इस पर अभी निर्णय नहीं। पूर्व की भर्ती में 8 लाख ने किया था आवेदन। पूर्व की भर्ती में जो पिछले फॉर्म निकाले थे इसमें 8 लाख ने फॉर्म भरा था दोस्तों, और अभी ये भर्ती और निकाल दी गई है, 11,700 पद बढ़ा दिए गए हैं। अब आगे देखेंगे क्या क्या कुछ और है। ऑनलाइन विकल्प के आधार पर मिलेगी डीएलएड कॉलेज में सीट। कॉलेज के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू। बीकानेर प्राणि शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए जरूरी 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा। काउंसलिंग की डेट स्टार्ट हो रही, आपको बताया गया है। काउंसलिंग कराने के लिए काउंसलिंग की निर्धारित डेट है 17 अक्टूबर निर्धारित की गई है, जिसकी अंतिम तिथि है 17 अक्टूबर। काउंसलिंग की आप काउंसलिंग करवा सकते हैं डीएलएड बीएसटीसी की। देखते हैं अगला। कोई कांस्टेबल भर्ती। कांस्टेबल भर्ती शारीरिक से दक्षता परीक्षा 26 अक्टूबर से जयपुर राजस्थान पुलिस की ओर से आयोजित कांस्टेबल भर्ती 2023 में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता व मापतोल परीक्षा का शेड्यूल जारी किया गया है। यह परीक्षा 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक होगी। कांस्टेबल के 3578 पदों की भर्ती हो रही है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड सचिन मित्तल ने बताया कि अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता मापतोल परीक्षा प्रारंभ होने से 1 सप्ताह पूर्व अपने प्रवेश पत्र विभाग की वेबसाइट पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्कूटी योजना से वंचित छात्राएं 31 तक कर सकती है आवेदन। पोर्टल फिर से शुरू। श्री गंगानगर की रिपोर्ट है। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने स्कूटी योजना में आवेदन करने से वंचित छात्राओं के लिए पोर्टल दोबारा प्रारंभ किया कर दिया है। वंचित छात्राएं 31 अक्टूबर तक पोर्टल से स्कूटी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। न्यू सूचना है आपके लिए भी। ये कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में अब 500 विकल्प होगा। राजस्थान लोकसभा जैसे पहले 1 पर्सन के विकल्प 4 होते थे, अब 5 विकल्प होंगे, जिसमें 1 पर्सन का आंसर देना अनिवार्य है। 10% या 10% पर्सन नहीं का जवाब देने पर आपको परीक्षा इस उसी परीक्षा का अयोग्य माना जाएगा, आपको दे रखा है। नई भर्ती है। मदरसा 9 वर्ष से अधिक अनुभव वालों को राहत। 5562 शिक्षा से होगी एवं कंप्यूटर अनुदेशकों को किया जाएगा अनियमित, नियमित करेंगे। कंप्यूटर निदेशक को नियमित किया जाएगा। सरकारी सरकारी की मंजूरी के बाद अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले नियमितीकरण के आदेश जारी कर दिए हैं। JNV छात्राओं की सफलता दर JNE एडवांस में 7% बढ़ी। मेन में भी बेहतर हुआ प्रदर्शन। महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल में बनेगी रोबोटिक लैब। स्कूल शिक्षा लेक्चर कोच एवं पीटीए की काउंसलिंग आज। आरएस 2021 के छठे चरण के इंटरव्यू 17 से शुरू है। एनएमसी ने वापस लिया 50% अंकों का क्राइटेरिया। असिस्टेंट प्रोफ आवेदन का एक और मौका। फिजिकल एजुकेशन काउंसलिंग 7 को। मदरसा बोर्ड में संविदा पर 6843 पदों पर होगी भर्ती।
सीबीएसई 9वीं 10वीं 9वीं 11वीं के रजिस्ट्रेशन अब 26-25 तक के विलंब शुल्क के साथ 26 से 29 आरपीएससी पशु शिक्षालय अधिकारी के पदों के लिए दूसरे चरण के इंटरव्यू 17 से शुरू है। राजस्व मंडल 29 तहसीलदार 4 नायब तहसीलदार नियुक्त ज्वाइन जल्द करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस में पद कम, हर पद के लिए 64 अभ्यर्थी से मुकाबला। वरिष्ठ अध्यापक पंजाबी का परिणाम जारी, 6 अभ्यर्थी ही मुख्य सूची में आए। आरएस 2021 के छठे चरण के इंटरव्यू 17 से शुरू। आरक्षित सूची भी तैयार नहीं की गई। राज्य के 24 जिलों के 124 बालिका स्कूल 12वीं में अपग्रेड, छात्राओं को नहीं बदलना पड़ेगा स्कूल। लेवल सेकंड में 8 विषयों के 21,902 अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित, काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी। बीकानेर में सामाजिक विज्ञान विषय में 15 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। विधवा और एकल महिला को भी नहीं मिला गृह जिला। स्टूडेंट्स की समस्याओं का समाधान करेंगे कुलपति। प्री एमपीएड लिखित और शारीरिक परीक्षा देनी होगी। ये था हमारा 7 अक्टूबर का पेपर कटिंग। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।